नमस्कार ओम शांति, आप देख रहे हैं पीस न्यूज और आपके साथ मैं हूं तुलसी। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला, लेकिन उससे पहले देखते हैं आज की हेडलाइंस। लोगों में सेवा करते 29 साल का हुआ ग्लोबल हॉस्पिटल, आम से लेकर खास लोगों की सेवा में कार्यरत है ग्लोबल हॉस्पिटल, बीके निर्वैद ने दी शुभकामनाएं। यू आर वॉट यू ईट विषय पर ऑनलाइन चर्चा में जुड़ी देश विदेश की प्रख्यात हस्तियां, जीवन में शाकाहारी भोजन के बताए महत्व। दिल्ली के लोधी रोड सेवा केंद्र द्वारा असत्य पर सत्य की विजय पर ऑनलाइन संगोष्ठी, जीवन से बुराइयों को समाप्त करने की अपील। और आखिर में कानपुर के कल्याणपुर सेवा केंद्र का कमिश्नर डॉक्टर राज शेखर ने सहपरिवार किया दौरा, बीके प्रकाश ने संस्था की गतिविधियों से कराया अवगत। आदिवासी तथा ग्रामीण इलाकों की सेवा करते हुए ब्रह्मकुमारी संस्थान द्वारा संचालित माउंट आबू ग्लोबल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर 29 साल का हो गया है। 29 सालों में अस्पताल लाखों लोगों के तन मन को स्वस्थ रखने की सेवा कर रहा है। इस अवसर पर हॉस्पिटल के मैनेजिंग ट्रस्टी बीके निर्वैद ने अपनी शुभकामनाएं दी। जब से ग्लोबल हॉस्पिटल बना है, तब से हमारी आदरणीय दादी जानकी जी का भी शुरू से लेकर के बहुत बहुत योगदान लंदन के भाई बहनों को निमित्त बना करके वहाँ से आता रहा है, देते रहते हैं, अभी भी दे रहे हैं। हम सभी को, विदेश के भाई बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं कि उनका भी सहयोग जो है उसके कारण ये ग्लोबल हॉस्पिटल वर्ल्ड स्टैंडर्ड का हॉस्पिटल बन चुका हुआ है। सन 1991 के अक्टूबर मास में ग्लोबल हॉस्पिटल की शुरुआत हुई, जिसके पश्चात धीरे धीरे हॉस्पिटल की सेवाओं का विस्तार हुआ। प्रारंभ से लेकर अब तक की सेवाओं की पूर्ण जानकारी दी हॉस्पिटल के निदेशक डॉक्टर प्रताप मिड्ढा ने। इस हमारी यात्रा में अनेक संस्थाएं, अनेक सरकारें सहयोग मिली है। हम सब ये मानते हैं कि ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी में विश्वविद्यालय के संपर्क में आने से कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से हमें सहयोग मिला। हम ये मानते हैं कि इतना बड़ा कार्य है, सबके सहयोग से ही संपन्न हो सकता है। हम मिलकर कार्य करेंगे तो मुश्किल से मुश्किल कार्य भी आसान हो जाता है। हॉस्पिटल में मौजूद कुछ मरीजों ने भी इस दौरान अपने अनुभवों को साझा किया और हॉस्पिटल की सेवाओं तथा मिले इलाज के बारे में बताया। एक साल पहले हमारे बच्चे के बच्चे पोते का यहाँ होंठ का ऑपरेशन करवाया था और अभी तालवे का ऑपरेशन कराया है, तो मैं बताता हूँ कि यहाँ का स्टाफ और डॉक्टर साहब सभी बहुत अच्छे हैं, मीठी बोली में बात करते, सबको आराम से समझाते। लोगों से मैंने सुना कि यहाँ ऑपरेशन बहुत अच्छे हो रहे हैं। पहले तो मैंने विचार किया था कि मैं सिटी में जाऊँगी, मतलब बड़ी सिटी में, अहमदाबाद वगैरह, लेकिन मुझे दिमाग में आया कि नहीं, माउंट आबू जाके मुझे ऑपरेशन करवाना। लेकिन यहाँ आके मैं ऑपरेशन होने के बाद मैं इतनी खुश हुई, इतना अच्छा ऑपरेशन हुआ मेरा, और यहाँ पर यहाँ का स्टाफ भी मेरे लिए बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं, बहुत अच्छा मेरा ध्यान रख रहे हैं। मैं घुटने की सर्जरी के लिए यहाँ आई हूँ। यहाँ हमें हॉस्पिटल में बहुत अच्छी सुविधा मिली। हमें यहाँ आके पता ही नहीं चला कि हम घर में हैं, परिवार में हैं कि हॉस्पिटल में हैं। बहुत अच्छा वातावरण मिला और रियली मैं सच दिल से कहती हूँ कि यहाँ हमें परिवार से भी अच्छा प्यार, वातावरण, स्नेह और हमारा सब ट्रीटमेंट हुआ। 29वीं वर्षगांठ के अवसर पर ग्लोबल हॉस्पिटल के सभी स्टाफ एवं डॉक्टर्स ने एकत्रित होकर अपनी शुभकामनाओं को वॉल ऑफ गुड विशेस में लगाया। यू आर वॉट यू ईट, जैसा अन्न वैसा मन, इस विषय को लेकर ब्रह्मकुमारीज द्वारा एक बहुत ही सुंदर ऑनलाइन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें देश के धर्म गुरुओं समेत वरिष्ठ चिकित्सक, वैज्ञानिक, पर्यावरणविद, खिलाड़ी, फिल्म जगत से जुड़ी हस्तियां एवं अन्य कई लोग विशेष रूप से इस चर्चा में सम्मिलित हुए। A vegetarian diet is a choice where we respect
the sanctity and the dignity of life. वेजिटेरियनिज्म की बात है, इट इज कम्प्लीटली पार्ट ऑफ ऑल फेथ ट्रेडिशंस. कहीं भी उसको इम्प्लीमेंटेशन के तौर पे उसको इस तरीके से ना तो कहीं फॉरबिडन कहा गया है और ना ही उसको जिंदगी के अमल के अंदर एक दस्तूर बनाया गया है. इफ यू वॉन्ट टू बी स्ट्रॉन्ग इन फेथ, ईट ओनली वेजिटेबल्स. इन अदर वर्ड्स, the word of God says, the Bible says, if one wants to grow strong in the Lord, strong in faith, we need to become एक वेजिटेरियन खाने का जो एक सुकून है, एक जो पीस, एक जो मजा है, एक जो लाइटनेस है, वो मुझे आने लगा. So 4 years ago we took a decision of turning vegetarian. We've had non-vegetarian all our lives, but 4 years ago we thought that it was important for us to make this change, a dietary change, into our life and make it a lifestyle. So, you know, Janila, why did you turn vegetarian? Actually, I followed Ritesh when he first turned vegetarian. I turned vegetarian. I had no preconceived notion towards it. I didn't feel like, you know, I was doing it then for health reasons or for anything. It was just one of those manhats that you do and, you know, you've given it up. But on the way, I started realizing that I was one of those guilty non-vegetarians. Our body begins to accumulate that death energy. And slowly, वो धीरे धीरे हमारे अंदर अलग अलग तरह से रूप लेता है. कैसे? गुस्सा, वायलेंस, झगड़ा, डिप्रेशन और सारी बीमारियां से. सो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि सिर्फ हमने खा लिया और वो हमारे सिर्फ फिजिकल बॉडी में इफेक्ट करता है, हमारे मेंटल बॉडी में बहुत डीप इफेक्ट करता है. आप सोचिए, अगर कोई डेड बॉडी है, जब वो डेड हो जाती है, हम उसका क्या करते हैं? हम उसको सेमेटरी लेके जाते हैं, राइट? शमशान घाट लेके जाते हैं. तो जब ये चिकन है, पिग है, ये जो एनिमल है, जब ये मर जाता है, ये डेड हो गया, हम इसकी डेड बॉडी के साथ क्या करते हैं? हम इसको अपने पेट में लेके जाते हैं. तो क्या हम अपने पेट को एक शमशान घाट नहीं बना रहे? तो 2 साल हो गए हैं मैं वेजिटेरियन हूँ और काफ़ी अच्छा महसूस होता है. बहुत काम हो गया हूँ मैं पहले से, बहुत लाइट फील करता हूँ, ठहराव आ गया मेरे अंदर, एक शांति आई पहले से, क्लैरिटी आई, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा. और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा सभी का, ब्रह्मा कुमारी का स्पेशली, थी उनके ज्ञान से सुन के मेरे को बहुत हेल्प मिली. तन और मन को स्वस्थ रखने के लिए शाकाहारी भोजन मन को शक्तिशाली बनाता है और शरीर को स्वस्थ रखता है. इस मुद्दे पर सभी वक्ताओं ने अपने विचारों एवं अपने निजी अनुभवों को साझा किया. जैसा अन्न होगा वैसा मन होगा, जैसा आहार वैसा विचार. तो डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ नॉट जस्ट आवर बॉडीज बट ऑफ आवर माइंड एज वेल, बिकॉज़ द फूड वी कंज्यूम, वी गोना ईट, इज डायरेक्टली कोरिलेटेड टू our system, our being, our thought process. पिछले 3 सालों से मैंने वेजिटेरियनिज्म अपनाया and I'm so happy that I took this path. क्योंकि पिछले 10 सालों में मैंने अपनी हेल्थ को डिटेरियोरेट होते हुए देखा, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ. अब जब आप एक्टिंग प्रोफेशन में होते हैं तो आप अपने लाइफ स्टाइल को संभालते हैं, आप अपना बहुत ध्यान रखते हैं और वही मैंने किया. The movement I'm part of and the Brahma Kumaris promote chemical free farming. Because agriculture is a sacred act, it's care for the earth. Therefore, chemicals as instruments of war should never enter our food system. If you want to live a sattvic life, you want to have pure thoughts, and everything depends upon our thoughts, our actions, our attitudes. And I was born in that vegetarian family, and that shaped my life. हम जो चाहें, हम जो करते हैं, हम उसी से बनते हैं. ये बात हमें हर समय ध्यान रखनी चाहिए कि हमारे आसपास जो वातावरण बनता है, चाहे वो सामाजिक है, चाहे जिस तरह का वातावरण बनता है, उसके पीछे जड़ में हम स्वयं हैं. अगर हम अच्छा करेंगे तो वातावरण अपने आप में अच्छा होता जाए. जो शाकाहारी खाना हम लोग खाते हैं वो काफी हद तक हमें पॉजिटिव रखने में एक हेल्प करता है और
शाकाहारी खाने की वजह से ही एक जो धार्मिक प्रवृत्ति है फैमिली में वो भी काफी उसमें भी काफी मदद मिली है, एक जो रिलीजियस वे ऑफ लाइफ है वो भी डेवलप हुआ है। अगली खबर दिल्ली के लोधी रोड सेवा केंद्र की है, जहां असत्य पर सत्य की विजय विषय पर ऑनलाइन संगोष्ठी का आगाज किया गया, जिसमें मुख्य अतिथियों में मुख्यालय से संस्था के महिला प्रभाग की मुख्यालय संयोजिका बीके सविता, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष सुनील यादव और RWA के अध्यक्ष हरिवंश डंकल ने विषय के तहत अपने विचार रखे। विजयादशमी इस रूप में मनाई जाती है कि दैवी शक्तियों की आसुरी शक्तियों के ऊपर विजय हुई। हम कहेंगे दूसरे शब्दों में कि सत्य की असत्य के ऊपर विजय हुई। कि सत्य एक ऐसी चीज है कि जिसको उसको छुपा तो सकते हैं थोड़े टाइम के लिए, दबा भी सकते हैं, लेकिन वो कभी ना कभी बाहर आ ही जाती है। तो सत्य को ना तो छुपाया जा सकता है ना दबाया जा सकता है, और हमें सत्य की राह पर चलना चाहिए। जिंदगी में कभी झूठ का सहारा लेकर आगे नहीं बढ़ना चाहिए। कार्यक्रम में आगे सेवा केंद्र प्रभारी बीके गिरिजा एवं मोटिवेशनल स्पीकर बीके पीयूष ने आध्यात्मिक मूल्यों का संवर्धन कर जीवन में प्रेम, भाईचारा, सहयोग एवं सकारात्मक गुणों का विकास करने की बात कही। अंत में प्रश्नोत्तर सत्र में सभी अतिथियों ने जिज्ञासुओं के प्रश्नों का समाधान किया। जब तक भारत में आध्यात्मिक क्रांति नहीं आएगी, जब तक भारत में हर घर में राम पैदा नहीं होंगे, तब तक रावण का संहार होने वाला है। और जैसा कि सभी पूर्व वक्ताओं ने बताया कि केवल सुनने से सुनाने से बात बनने वाली नहीं है, लेकिन आज हमें शक्ति की जरूरत है। कानपुर के कल्याणपुर स्थित ब्रह्मा कुमारीज के एंजल्स वर्ल्ड में नगर के कमिश्नर डॉक्टर राज शेखर अपने पूरे परिवार सहित पहुंचे। सभी ने 3D मूवी के द्वारा राज्यों की अनुभूति की और साथ ही वैल्यूज बेस्ड एजुकेशन प्रदर्शनी का अवलोकन किया। वरिष्ठ राजयोग शिक्षक बीके प्रकाश ने सभी को राजयोग ध्यान प्रक्रिया एवं आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में अवगत कराया, तो वही सेवा केंद्र प्रभारी बीके उमा एवं विकास नगर सेवा केंद्र की प्रभारी बीके नीलम ने अतिथियों को शॉल पहनाकर उनको सम्मानित किया। अगली खबर पंजाब के चंडीगढ़ की है, जहां ब्रह्मा कुमारीज के युवा प्रभाग एवं पंजाब जोन द्वारा विशेष युवाओं में उमंग उत्साह का बीज बोने, उनके आध्यात्मिक उत्थान एवं जीवन में नवीनीकरण लाने के उद्देश्य से युवा दिल की आवाज विषय के तहत ऑनलाइन वेबिनार आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता पंजाब जोन में प्रभाग के कोऑर्डिनेटर बीके अरुण एवं ढाकोली सेवा केंद्र प्रभारी बीके रंजू ने युवाओं को मार्गदर्शित किया। आज का युवा जानता है कि जो सोशल मीडिया है, जो इंटरनेट है, ये सब जो है हमारे बहुत यूजफुल कामों के लिए था और हमें यूज भी करना चाहिए, कोई डाउट नहीं है उसमें। लेकिन जब वो ओवर यूज होने लग जाता है ना, जब वो गलत कामों में यूज होने लग जाता है, तो ये सबसे बड़ा रावण बन जाता है, सबसे बड़ी बुराई, सबसे बड़ा मनोविकारों का एक सोर्स बन जाता है हमारे लिए। नवरात्रि का यह उत्सव मनुष्य के भीतर आंतरिक यात्रा करके नवीनीकरण को प्रकट करने का उत्सव है। अज्ञानता और मोह से निकल अपने गुणों, शक्तियों को पहचानने का पर्व है। पश्चिम बंगाल के श्यामनगर सेवा केंद्र द्वारा इस विशेष पर्व पर प्रतिदिन ऑनलाइन प्रोग्राम आयोजित किए गए, जिसमें सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ स्थानीय सेवा केंद्र से राजयोग शिक्षिका बीके नेहा ने नवरात्रि का आध्यात्मिक रहस्य भी स्पष्ट किया। परमात्मा जब इस धरा पर अवतरित होते हैं तो अपने ज्ञान के द्वारा शरीर और आत्मा दोनों को पवित्र बनाते हैं। शरीर को माटी भी कहते हैं और हमारा मन भी आज अशुद्धता और मलिनता से भरा हुआ है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार तो 5 मुख्य विकार है ही, परंतु साथ ही आलस्य व अलबेलापन को 6वें व 7वें विकार के रूप में बताया गया है। रावण 10 विकारों का तो कुंभकरण आलस्य का प्रतीक है। विजयादशमी का आध्यात्मिक रहस्य बताते हुए यह उक्त बातें टिकरापारा सेवा केंद्र प्रभारी बीके मंजू ने कही। बिलासपुर में टिकरापारा सेवा केंद्र के ज्ञान गंगा हॉल में चैतन्य देविया सजाई गई। वैश्विक महामारी को ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन दर्शन को ही प्राथमिकता दी गई। आगे आप तस्वीरें देख रहे हैं भुवनेश्वर के बीजेबी नगर सेवा केंद्र, कानपुर देहात के रूरा सेवा केंद्र और हाथरस के आनंदपुरी सेवा केंद्र की, जहां नवरात्रि पर्व के उपलक्ष्य में चैतन्य देवियों की झांकी सजाई गई,
साथ ही विजयदशमी का पर्व भी बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम, नृत्य नाटिका व कोरोना सुर वध का आयोजन भी किया गया था। यह कार्यक्रम बीजेपी नगर में सेवा केंद्र प्रभारी बीके मंजू, रूरा में सेवा केंद्र प्रभारी बीके प्रीति और हाथरस में सेवा केंद्र प्रभारी बीके शांता के निर्देशन में संपन्न हुआ। आज की खबरों में बस इतना ही, और कुछ नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार, ओम शांति।